इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों यहाँ पे हैं अभिषेक जो हैं दिल्ली से, और अभिषेक बताएंगे यहाँ पर एक चार्जिंग का सलूशन जो कि अब तक आपने यूट्यूब में कहीं नहीं देखा होगा। तो अभिषेक बताइए ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे फोन में चार्जिंग शो कर रही है, जैसे कि यहाँ पे देखिए चार्जिंग लग रही है। अब जैसे निकाल दो जरा एक बार और दिखाओ, हमने निकाल दिया, देखो निकाल दिया और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब लगाइए, लगाया तो ये चार्जिंग शो कर रही है। देखो क्लियरिटी देख रहे हो, ये देखो ये चार्जिंग शो कर रही है, चार्जिंग शो कर रही है, पर यहाँ पे बढ़ नहीं रही चार्जिंग, बढ़ नहीं रही, चार्जिंग बढ़ नहीं रही। मतलब कस्टमर का फॉल्ट ये है कि चार्जिंग सेव नहीं हो रही है, मतलब इसको फेक चार्जिंग बोल सकते हैं। तो आपने क्या क्या चेक किया, आप जो सबसे पहले बताइए, और क्या क्या जो टेक्नीशियन होते हैं और वो क्या क्या चेक करते हैं? टेक्नीशियन सबसे पहले चार्जिंग आईसी या चार्जिंग चिप के साथ जाते हैं कि वो खराब होगी, उसको निकाल के चेंज कर लेते हैं वो। लेकिन हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि इनपुट वोल्टेज भी आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, आउटपुट बन रहा है या नहीं, नहीं बन रहा है। तो दोनों चीज चेक करेंगे, दोनों चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले हमने मदरबोर्ड को टेयर डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे, हम चेक करेंगे इनपुट वोल्टेज हमारी बन रही है नहीं बन रही। तो इनपुट वोल्टेज हम किसमें चेक करेंगे? इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे डीसी पे सेट करेंगे, रेड प्रो ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करेंगे, रेड से हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो टेस्टिंग पॉइंट में, टेस्टिंग वी बस में, वी बस के टेस्टिंग पॉइंट में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट वोल्टेज आ रही है, यानी कि इनपुट वोल्टेज आ रही है, चार्जिंग जैक ओके है हमारा, चार्जिंग जैक का फॉल्ट नहीं। अब हम इसमें वीबैट चेक करेंगे, हम वीबैट यानी कि वोल्टेज आउट चेक करेंगे। तो वीबैट का भी टेस्टिंग पॉइंट आपने लगा लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आ रहा है 0 वोल्ट, यानी कि इसमें आईसी भी खराब हो सकती है, और आईसी भी खराब हो सकती है, इसके अंदर पावर आईसी भी खराब हो सकती है, चार्जिंग आईसी भी खराब हो सकती है, पावर आईसी भी खराब हो सकती है, वो भी खराब हो सकती है। क्योंकि ये भी तो हो जाता है कि चार्जिंग आईसी जैसे नए फोनों में नहीं होती है, वो पावर आईसी के अंदर होती है, तो इसको बायपास भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बट इसका कुछ हमने फॉल्ट चेक किया था, हमने फॉल्ट चेक किया तो इसका फॉल्ट ये निकला कि ये इसकी चार्जिंग आईसी है, आप देख लीजिए, ये इसकी 8 लेग की चार्जिंग आईसी। अच्छा, चार्जिंग आईसी की पहचान क्या होती है? अभी चार्जिंग आईसी या तो 6 लेग की होगी या 8 लेग की होगी, या फिर वो बॉल आईसी या बॉल आईसी होगी, और उसके साथ में एक कोर रजिस्टर लगा होगा, कोर रजिस्टर लगा होगा और एक कैपेसिटर लगा होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि बॉल आईसी और कोर रजिस्टर नहीं लगा, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बॉल आईसी और कोर रजिस्टर नहीं लगा क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? ट्रेस करके हम फाइंड आउट करेंगे कि ट्रेसिंग से, बिल्कुल ट्रेस करके हम फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज जा रही है, बिल्कुल आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने, अच्छा जनरली जैसे कि आपके पास ये फोन आया हुआ है, तो टेक्नीशियन लोग क्या समझेंगे इसमें सबसे पहले कि क्या फॉल्ट आया है? जैसे आपने इनपुट देख लिया, आउटपुट नहीं बना, आउटपुट नहीं बना, तो टेक्नीशियन के दिमाग में क्या आएगा? टेक्नीशियन के दिमाग में ये आता है कि चार्जिंग आईसी खराब हो गई है, चार्जिंग आईसी जो कि कहां लगी हुई है, दिखा दो, ये लगी हुई है। टेक्नीशियन सोचते हैं कि ये इसको हम रिप्लेस कर, इसको चेक करो, एक इनपुट वोल्टेज और इसमें भी और आउटपुट वोल्टेज, इसमें मैं आपको चेक कराता हूं, कोर रजिस्टर पे चेक करना है क्योंकि सबको पता है कोर रजिस्टर आउटपुट में लगा होता है। इसको मैं चेक कराता हूं, ये आपको कोर रजिस्टर पे आप चेक कर रहे हो, आउटपुट वोल्टेज नहीं, यहाँ पर देखिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आउटपुट वोल्टेज जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। हम इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं आईसी के पिन पे, आईसी के पिन पे इनपुट वोल्टेज देख रहे हैं, इनपुट वोल्टेज 5 आ रहा है, 5 आ रहा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज आईसी के पिन पे भी जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, नहीं बन रहा। अच्छा अभिषेक, इसमें अभी अपन को और क्या चेक कर सकते हैं? क्योंकि इस आईसी में सिर्फ इनपुट और आउटपुट नहीं होता है, एक और चीज होती है, और वो कौन सी चीज होती है, कौन सा सिग्नल होता है इस आईसी में? एक इनपुट आउटपुट होता है और एक ईएन सिग्नल होता है जो कि सीपीयू से आता है। हाँ, जो कि सीपीयू से आता है, जो कि सीपीयू को जाता है, सीपीयू को जाता भी है, और वहां से एक सिग्नल आता भी है, सिग्नल आता है स्विचिंग के लिए, स्विचिंग के लिए। तो बताइए कैसे? जब तक वो सिग्नल आएगा नहीं तब तक आईसी स्विचिंग नहीं करेगी, नहीं करेगी। और ये सिग्नल एक ट्रांजिस्टर के थ्रू आता है जो कि आईसी के, जो कि आईसी, जो कि इसके पास लगा होना जरूरी है, आईसी के पास लगा होना जरूरी है। अगर कीपैड मोबाइल भी होगा और एक आपका चार्जिंग आईसी है, तो उसके बाद में ट्रांजिस्टर जरूर लगा होगा, तो यहाँ पर वो ट्रांजिस्टर कहाँ लगा हुआ है बताइए? यहाँ पर वो ट्रांजिस्टर एक्चुअली लगा नहीं हुआ, हमने अभी फाउंड आउट किया था, वो ट्रांजिस्टर उतरा हुआ है यहाँ पे, उतरा हुआ है, उतरा हुआ है, यानी कि इससे पहले किसी टेक्नीशियन के पास गया होगा, हाँ, तो उसने वो ट्रांजिस्टर उतार के चेक किया होगा, तो वापस नहीं लगाया होगा, नहीं लगाया होगा। हाँ, तो इसमें क्या अपन कर सकते हैं, क्या क्या अपन कर सकते हैं? सबसे पहले आपने सबसे पहले हम लोग इसमें ट्रांजिस्टर लगाएंगे जो कि किसी और फोन से उठाकर, किसी और फोन की चार्जिंग आईसी, चार्जिंग सेक्शन से उठाकर हम लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें नहीं तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो एनपीएन है कि पीएनपीएन है, और वो साइज भी मिल जाता है आपको बराबर। तो हम चार्जिंग किसी के भी फोन के चार्जिंग सेक्शन से उतार लेंगे, जैसे कि हमने ये बोर्ड ले लिया है, यहाँ पर ये चार्जिंग सेक्शन है इसका, जैसे यहाँ पर ये इसका चार्जिंग सेक्शन है, जैसे हमने ऐसी बोर्ड लिया है, और जैसे इसमें भी एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जैसे दिखा दीजिए, ये आप चार्जिंग आईसी है, इसके पीछे ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे ये ट्रांजिस्टर हमने किसी दूसरे बोर्ड से निकाल लिया है, और हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और ये लगा के यहाँ देखेंगे कि आउटपुट बन रहा है कि आउटपुट बन रहा है या नहीं, नहीं बना, क्योंकि उसके बाद फिर हम चार्जिंग आईसी को चेक कर सकते हैं। अगर क्योंकि जनरली डायरेक्ट चार्जिंग आईसी निकाल देंगे तो वो वोल्ट कभी भी ठीक नहीं होगा,
क्योंकि आप सही आईसी भी लगा दोगे तो वो भी कितने वोल्टेज दिखाएगी? वो भी आपको जीरो वोल्टेज दिखाएगी। जैसे दिखाइए वो ट्रांजिस्टर बताइए कहाँ पर है। ये ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ नहीं, वो आपने जो आपने दूसरी पीसीबी से निकाला था वो ट्रांजिस्टर बताइए कहाँ पर है। दूसरी पीसीबी से जो निकाला हुआ ट्रांजिस्टर है वो ये रहा है, दिखाइए ये ट्रांजिस्टर है। तीन पिन का ट्रांजिस्टर होता है जिसका एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक एमिटर होता है। तो देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है तीन पिन का, ठीक है। तो अभी से इसको आप डायरेक्ट लगा दीजिए और दिखाइए, इसको आप लगाइए एसएमडी की मदद से। एसएमडी की मदद से। अच्छा, ज्यादातर टेक्नीशियन सोल्डिंग और डिसोल्डिंग या एसएमडी कंपोनेंट लगाते समय वो लोग सोचते हैं कि सर हमारे बाकी के कंपोनेंट जल जाते हैं या हमारे कंपोनेंट बेसिकली उड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं राहुल? हम उसके लिए हीट रेजिस्टेंट टेप यूज कर सकते हैं। तो हीट रेजिस्टेंट टेप हम जैसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हीट रेजिस्टेंट टेप क्या होता है राहुल बताइए? हीट रेजिस्टेंट टेप वो होता है जिससे आपके अगर मशीन एसएमडी कभी कभी खराब हो जाती है, कभी कभी आपको ज्यादा हीट पे काम करना पड़ता है, उसके लिए आप हीट रेजिस्टेंट टेप यूज करते हैं जिससे कारण वो ज्यादा हीट नहीं लेता है। हीट नहीं लेता, मतलब हीट को रेजिस्ट करता है, लेता है। हाँ। हीट थोड़ा एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर हमने बाकी और आईसी के ऊपर भी लगा दो ताकि आईसी जले ना हमारी, हीट रेजिस्टेंट टेप थोड़ा आईसी पर भी लगा दो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि हमने यहाँ पर केवल सिर्फ ट्रांजिस्टर वाली जगह छोड़ी है, बाकी सब पे हमने एक हीट रेजिस्टेंट टेप का यूज किया। अब यहाँ पे हम एसएमडी की मदद से वो ट्रांजिस्टर को बिठाएंगे। थोड़ी सी पेस्ट यूज कर लेंगे यहाँ पे हम बिठाने के लिए, सोल्डिंग पेस्ट। सोल्डिंग पेस्ट ट्रांजिस्टर आप कहिया से भी लगा सकते हैं और एसएमडी से भी, और ये बहुत नैनो ट्रांजिस्टर है, इसको लगाने के लिए हम एसएमडी का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि अभिषेक ने बताया कि आप जल्दबाजी नहीं करें चार्जिंग आईसी को निकालने के लिए, जल्दबाजी नहीं करें कोड रजिस्टर निकालने के लिए, आप एक उसके आसपास चेक कर लीजिए ट्रांजिस्टर लगा है कि नहीं लगा है, और लगा भी है तो एक बार ट्रांजिस्टर को चेंज कीजिए या फिर उसको चेक कीजिए उनके तीनों पर वोल्टेज आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको चेक करते हैं कि तीनों पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार भी से इसको एक बार रख दो, इस पर वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। चार्जिंग कनेक्टर लगाओ, चार्जिंग पर लगाओ, और जो चार्जिंग जो ट्रांजिस्टर पे तीनों पे हॉट टेस्टिंग करके बताओ कि कितने पर क्या वोल्टेज आ रहा है, और जब चार्जिंग जब हम सही कर लेंगे तो कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, एक बार वो भी बता दीजिए। कनेक्टर लगाइए, ये हमने चार्जिंग कनेक्टर लगा दिया है। अब हॉट टेस्टिंग कीजिए उसी पर, उसी पे हॉट टेस्टिंग करते हैं हम, देखते हैं कि इसकी पिन पे क्या वोल्टेज आ रहा है। सबसे पहले आप कलेक्टर पे रख लीजिए। सबसे पहले हम कलेक्टर पे रखेंगे, कलेक्टर पे चेक कर रहे हैं तो वहां पर इनपुट आ रहा है 4.5 जो कि चार्जिंग आईसी से आ रहा है, चार्जिंग आईसी से आ रहा है, ठीक है। और तो अभी से इसका कलेक्टर लगा हुआ है आपका चार्जिंग आईसी से, और इसका एमिटर कहाँ लगा हुआ है? एमिटर ये रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है? 2.7 वोल्टेज आ रहा है, 2.7 वोल्टेज आ रहा है। फिर से लगाइए एक बार, दिखाइए एमिटर पे, ये वोल्टेज आ रहा है और 2.7 आ रहा है, 2.7 आ रहा है। ये एक रजिस्टर से होते हुए वीबस से आ रहा है, रजिस्टर से वीबस से सीरीज कनेक्शन में, और ये रजिस्टर कितने ओम्स का लगा होगा? रजिस्टर 1.4 का, मतलब 1.5 ओम के या उससे अबव का लगा सकता है। तो रजिस्टर यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है दिखा दीजिए जरा। ये रजिस्टर लगा हुआ है जी, मैंने हीट रजिस्टर टेप लगा दिया, ठीक है, ये रजिस्टर लगा हुआ है। चलिए अभी से कम नहीं बता दिया, और तीसरे पॉइंट पे चेक करेंगे, तीसरे पॉइंट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, आप चेक कर रहे हैं जीरो आ रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं, हम फिर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर हम रख रहे हैं तीसरा पॉइंट और यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं जीरो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज है। यानी कि ये जो वोल्टेज आनी चाहिए, ये जो वोल्टेज है वो सीपीयू की पिन है, ये जब तक नहीं आएगी जब तक यहाँ पे, और इस पे कितना वोल्टेज आना चाहिए? इस पे 2.7 वोल्टेज, 1.8 से 2.7 तक, हाँ इतना आना चाहिए। तो अप्रोक्स 2.2 भी आ सकता है, उतना भी आ सकता है, 1.78 से 2.8 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो लगाइए ट्रांजिस्टर लगाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, पूरी डिटेलिंग हो जाएगी, कल को आप लोग भी वीडियो देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई तीन तुम्हारे साथ भी करना है एक वीडियो, अपन उसमें सॉफ्टवेयर में बनाएंगे तुम्हारे साथ, चिंता नहीं करो। हाँ बेटा तेरे साथ भी, पिछली बार क्लास में मैंने सबसे ज्यादा वीडियो बनाए थे वो पंजाबी के साथ, और इस बार मैं तुम लोग के साथ भी बनाऊंगा सबसे ज्यादा। मैं एयर कम करो थोड़ी, एयर कम करो ना,
हीट बढ़ाइयो वो चालू होगा आईसी में जम्पर रेवा टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहे हैं परफेक्ट लगा। जैसा कि देख सकते हैं ट्रांजिस्टर बैठ चुका है, ठीक है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो पीसीबी अभी गर्म है कि थोड़ी गर्म है? पीसीबी अभी गर्म है तो थोड़ा अब हम वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा दिया ट्रांजिस्टर, ये लग गया है, ठीक अच्छा है? ये ट्रांजिस्टर मान लीजिए कि हमें नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं? इस ट्रांजिस्टर को किसी भी फोन के चार्जिंग सेक्शन से निकाल सकते हैं। जैसे लाइट फोन में हम लाइट सेक्शन से निकालते हैं, लाइट सेक्शन में कोई फॉल्ट आता है तो हम किसी भी फोन का लाइट सेक्शन से कोई भी कंपोनेंट निकाल के वहाँ चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप चार्जिंग सेक्शन का कंपोनेंट निकाल के आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज दिखाइए, वी बैट पे कितना वोल्टेज बना आपका? हमने चेक किया तो वी बैट पे हमारा वोल्टेज बन रहा है 5% बचा, जल्दी बता दे। ये वी बैट पे चेक किया तो ये वोल्टेज बन रहा है 4.1, मतलब यहाँ पे अब हमारा 4.1 बन गया है, वोल्टेज बन गया है। यानी कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे अगर हम तीसरे पिन पे भी चेक करेंगे तो वहां पर भी वोल्टेज आ रहा होगा। ये आप चेक कर रहे हैं, ये तो हो गया, ये 2.2 वोल्टेज आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2.2 वोल्टेज आ रहा है। अब तीनों वोल्टेज दिखा दो ट्रांजिस्टर पे, ट्रांजिस्टर के तीनों वोल्टेज, ये हो गया 2.2 वोल्टेज, ये 2.7, ये 2.7 हो गया जो आपका बी बस से आ रहे हैं, और ये 4.3, ये जो, और ये 4.3 हो गया, और जो तीसरा वाला जो हमने लगाया था ट्रांजिस्टर के लिए, ये हो गया 2.2 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज जो कि हमारा ईएम सिग्नल है सीपीयू की साइड से आ रहा है। मतलब इसमें जो फॉल्ट है वो हमारा ये था कि चार्जिंग शो कर रहा था पर हो नहीं रहा था, पर क्योंकि बी बैट पे कोई भी वोल्टेज नहीं था। अब हमारे बी बैट पे वोल्टेज भी आ गया तो अब ये चार्जिंग शो तो हो ही रही है और सेफ भी, सेफ भी होगी। चलिए थैंक यू वेरी मच। क्या बोलना चाहेंगे आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। आप लोग आइए यहाँ पर सीखिए, यहाँ प्रैक्टिकल में बहुत कुछ सिखाया जाता है। आप दिल्ली से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका। तो दोस्तों आज एक मैं आपके लिए नया एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ एंड्रॉइड का, जो है सीपीयू वाइज फ्लैशिंग गाइड। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे सीपीयू वाइज फ्लैशिंग गाइड से कि बेसिकली इस ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इस ऐप में आपको मिलेगी सीपीयू वाइज मोबाइल में सॉफ्टवेयर की जानकारी। अगर आप में से कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर सीख रहा है या सीखना चाहता है या और बेहतर अपने आप को करना चाहता है या बिल्कुल शुरुआती है तो इस ऐप को डाउनलोड करके वो सीख सकता है। तो इसमें सारे सीपीयू मैंने देने की कोशिश की है, उसको अपडेट भी मैं आगे करूँगा, जैसे मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, क्वालकॉम, मोटोरोला, एलजी। तो ये बाकी के मोबाइल के साथ में जब बाकी मोबाइल भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीडियाटेक की बात करूँ और मीडियाटेक को मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर हाउ टू फ्लैश स्टॉक रोम यूजिंग स्मार्टफोन फ्लैश टूल, मतलब एसपी फ्लैश टूल का कैसे यूज़ करना है, बाकायदा सारी चीज़ें यहाँ पर फोटो वाइज सारी चीज़ें डाली गई हैं, किस तरह से करना है और कौन सी फाइल यूज़ करनी चाहिए। और अगर हम बात करें अगर आपको कैसे उसको फ्लैश करना है या फिर ये सारी चीज़ बताई हुई है, यहाँ तक कि आपको यहाँ पे मिरेकल के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिल जाएगी कि कीपैड मोबाइल में मिरेकल को कहाँ से किस तरह से रन करें, तो सब तरह से इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप में आप ट्यूटोरियल के साथ में आप एसपी फ्लैश टूल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं आप एसपी फ्लैश टूल को यहाँ से बड़ी आसानी से बहुत सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे, वन क्लिक से डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ड्राइवर का बड़ा मसला होता है, ड्राइवर नहीं मिल पाते हैं और मीडियाटेक में, और किस तरह से उसको इंस्टॉल करें तो वो भी नहीं पता चल पाता है। तो देखिए पूरा सब कुछ आपको आपके सामने है, आपको फोटो वाइज ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड मीडियाटेक के ये ड्राइवर के, और जैसे कि आपने देखा कि मैंने क्लिक किया और मीडिया फायर की लिंक खुल गई, मतलब डायरेक्ट लिंक मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है सब कुछ। तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मीडिया फायर की स्कैटर फाइल एनालाइजर, जैसे बहुत सारे इसमें एक FRP टूल भी डाल दिया है, IME रिपेयर करने के लिए टूल डाल दिया, SN राइटर के वर्जन डाले हैं, रूट कैसे करें मीडिया को, मीडियाटेक CPU को, या हम बात करें मीडियाटेक के अलावा स्प्रेक्टम CPU, तो उसमें स्प्रेक्टम के CPU में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर कैसे स्प्रेक्टम को फ्लैश करें,
तो ये सारी चीज़ें जो आपको इस ऐप में मिलेंगी वो अभी आपको कहीं पे भी आपको वेबसाइट में ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इसको खोजना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मिल नहीं पाती हैं, तो आसानी से आप अपने मोबाइल में बैठे अपने घर पे कहीं पे भी बैठे हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, और जितना आप सीखेंगे उतना ही आप बेहतर काम कर पाएंगे। तो जैसे कि मोटोरोला का यहाँ पर देखें, मोटोरोला के ADB ड्राइवर मिल जाएंगे आपको, उसके USB ड्राइवर मिल जाएंगे मोटोरोला के, अच्छा उसके FRP रीसेट करने के उसके आपको फाइलें मिल जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, उसकी फ्लैशिंग करने के लिए जो उसका मेन स्क्रिप्ट फाइल होती है वो मैंने यहाँ दे दिया है, मोटोरोला का जो ऑटो फ्लैशर होता है वो मैंने यहाँ दे दिया है। अगर मैं LG की बात करूँ तो LG में भी आपको देखिए बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी, जो फर्मवेयर कैसे फ्लैश करते हैं उसकी, और उसके टूल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें टॉट करके फर्मवेयर भी आती है, या फास्टबूट ड्राइवर। तो फास्टबूट ड्राइवर का बड़ा मसला होता है कि फास्टबूट ड्राइवर को लोग इंस्टॉल नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि किस तरह से फास्टबूट ड्राइवर को डालें। तो सारी चीज़ यहाँ पे बाकायदा आपको बताई गई हैं विद इमेजेस। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पे लिखिए CPY फ्लैशिंग, या आप लिख सकते हैं मेरा नाम शिवरत्न अग्रवाल बिना स्पेस के, और किसी भी एक ऐप में जाइए। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर CPY फ्लैशिंग भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम तो आपको करना क्या है कि आपको CPY फ्लैशिंग लिखना है, और CPY फ्लैशिंग लिखने के बाद जी आपको सामने मिल जाएगा, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वीडियो के नीचे इसकी लिंक है दोस्तों। अगर आप दूर रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है आपको तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे जाइए वीडियो के नीचे लिंक को प्रेस कीजिए, डायरेक्ट आप इस ऐप में ओपन हो जाएंगे। तो उसको इंस्टॉल कीजिए और जैसे कि इस पर रिव्यू दीजिए आपको कैसा लगा, और बताइए कमेंट करके, और वीडियो को देख के कैसा लगा कमेंट कीजिए। और दोस्तों जो भी सलूशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट पे मांगिए, और क्योंकि मैं क्लासेस में रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, और मैं हर एक का फ़ोन नहीं उठा पाता तो मैं सलूशन आपको फ़ोन पे नहीं दे पाऊँगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, हमारे सर की एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग बुक है, आप लोग जो भी मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं आप इस बुक से सीख सकते हैं, इसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। जो भी दोस्त हमारे इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहे किसी कारण से, दूर होने के कारण किसी वजह से, वो इस बुक को खरीद के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आपको मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में जो भी डाउट्स हैं हार्डवेयर के रिपेयरिंग को लेके, आप इस बुक से सब क्लियर कर सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी जानकारी है। थैंक यू। थैंक यू। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है। तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखाना है।
मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं। नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था। वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है। तो वो सर टच हुआ सर, मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, जो टेक्नीशियन लोग थे उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ सब कुछ बना लोगे। अच्छा तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करते मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए, बोलेंगे मेरा दिल उड़ रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, उसके बाद टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था करूँ तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सके मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने। अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं,
और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पे सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.